हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं लाइन एंड प्लेन का। एक्सरसाइज नंबर है 6.2। देखिए स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8 के सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे। ठीक है, इसके स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1, 2, क्वेश्चन 4 ऑलरेडी हमने दूसरी वीडियो में सॉल्व किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की जो क्वेश्चंस है उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। अगर आपने 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 के वीडियो नहीं देखे हुए तो प्लीज़ ज़रूर पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। वहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 6.2 में जितने फॉर्मूलेज हैं वो मैंने बहुत ही अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, और 1, 2, 4 जो क्वेश्चंस है वो उसका ही कंटिन्यूस पार्ट है 5 to 8 में भी। ठीक है, प्लीज़ ये वीडियो देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था सेम वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ क्या है हमें, एक पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट से एक लाइन दिया हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है, और ये जो परपेंडिकुलर और ये फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हमने पी कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट दिया हुआ 0, 100, ये पॉइंट को हमने एम कंसीडर कर लिया। ओके, और ये जो लाइन है इसको हमने लाइन ए बी कंसीडर कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ, ये पॉइंट दिया हुआ है पी, और ये लाइन का इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें क्या है, एम का कोऑर्डिनेट क्या है, और ये पी लेंथ ऑफ पी एम क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, एम की कोऑर्डिनेट और लेंथ ऑफ अ पी एम। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसे हम क्या कंसिडर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कंसिडर करते हैं, लेट पी एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन लाइन ए बी। ठीक है, लेट पी एम परपेंडिकुलर ऑन लाइन ए बी। ओके स्टूडेंट्स, और लाइन ए बी क्या है और पी क्या है वो भी लिख देते हैं। पॉइंट वेयर, पॉइंट पी इज व्हाट, 100 एंड द लाइन ए बी इज व्हाट, एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1/-3 इज इक्वल्स टू जेड प्लस 10/8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमें स्टूडेंट्स से लाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी ये लाइन के हेल्प से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम वो लिख देते हैं। ठीक है, देयरफॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, देखिए स्टूडेंट्स कोई ये लाइन है कार्टेशियन फॉर्म है, तो हमें पॉइंट मिल सकता है और डायरेक्शन रेशियो मिल सकता है। तो ये 2-3, 8 हमारा डायरेक्शन हो जाएगा, 1-1 और 10 हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, 1-1, 10 ये हमारा पॉइंट हो गया, एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो क्या है स्टूडेंट्स, 2, 3 and -8 2-3 and 8 हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखिए ये हमारा जो गिवन कंडीशन था, और जो गिवन कंडीशन के हेल्प से हमने ये जो भी मिल रहा था वो हमने लिख दिया। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ एम। ठीक है, एम क्या है, फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर पी एम। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम एम का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो लाइन हमें दिया हुआ है ये एम कहाँ पर है, लाइन ए बी पर कहीं पर पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दिया हुआ लाइन उसके हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1/-3 इज इक्वल्स टू जेड प्लस 10/8 क्या करते हैं, इज इक्वल्स टू लैम्ब्डा हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, 2 लैम्ब्डा के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 लैम्ब्डा प्लस 1 हो जाएगा,
वाई क्या हो जाएगा, माइनस थ्री लैम्बडा माइनस वन हो जाएगा, और जेड हमें क्या मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी हमने जितने भी हमारे एग्जांपल्स है सब में हमने एम फाइंड आउट किया हुआ है। ओके, तो जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एट लैम्बडा माइनस टेन। तो देयरफोर एम इज इक्वल्स टू व्हाट, टू लैम्बडा प्लस वन, थ्री लैम्बडा माइनस वन, एट लैम्बडा माइनस टेन। तो अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये लैम्बडा जो है कोई कांस्टेंट नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी एम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लाइन पी एम का डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी एम इज, ठीक है, देखिए अब हमारे पास पी एम का कोऑर्डिनेट है और पी हमारा पी का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, जब हमारे पास दो पॉइंट है तो वो लाइन का हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है स्टूडेंट्स प्रीवियस चैप्टर में, ठीक है, और प्रीवियस एग्जांपल्स में भी देखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर पी का यहाँ पर कोऑर्डिनेट में लिख देता हूँ, पी क्या है हमारा 100 है। ओके, तो यहाँ पर आप पी माइनस एम करिए या फिर एम माइनस पी करिए। ओके, तो दिस माइनस दिस, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन पी एम इज व्हाट, टू लैम्बडा प्लस वन माइनस वन, माइनस थ्री लैम्बडा माइनस वन, माइनस जीरो करेंगे तो वही रहेगा, माइनस यहाँ पर भी जीरो करेंगे तो वही रहेगा, राइट। तो ये देखिए, देयरफोर हमारा डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन पी एम क्या मिल जाएगा, टू लैम्बडा प्लस माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, थ्री टू लैम्बडा थ्री माइनस थ्री लैम्बडा वन, एट लैम्बडा माइनस टेन, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन क्या मिल गया स्टूडेंट्स, पी एम मिल गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन है ए बी का डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन ए बी इज इक्वल व्हाट, टू माइनस थ्री एट। ठीक है, अभी लाइन पी एम परपेंडिकुलर ऑन लाइन ए बी, ठीक है, यहाँ पर पी एम क्या है, परपेंडिकुलर ऑन ए बी है, तो इनका जो डायरेक्शन रेशियो होता है स्टूडेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू इज इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है, ये हमने डायरेक्शन रेशियो के प्रॉपर्टी में देखा हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डायरेक्शन रेशियो ए बी ए पी का क्या है, दिस दिस दिस, और ए बी का क्या है, यहाँ पर ए बी का लिख देता हूँ, टू माइनस थ्री एट, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो किसका है स्टूडेंट्स, ए बी का है। तो अभी हम क्या करेंगे, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, सिंस सिंस द लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी एम, देयरफोर उनका जो डायरेक्शन रेशियो होगा, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, टू लैम्बडा इंटू टू प्लस माइनस थ्री लैम्बडा माइनस वन इंटू माइनस थ्री प्लस एट लैम्बडा माइनस टेन इंटू एट इज इक्वल्स टू जीरो। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो स्टूडेंट्स हमें देखिए क्या मिल जाएगा, लैम्बडा का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर लैम्बडा, ये प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस सॉरी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, नाइन लैम्बडा और ये प्लस थ्री। ओके, और ये 64 लैम्बडा माइनस 80 इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, 4 प्लस 9 13 प्लस 64 13 प्लस 64 ये 7 77 हो जाएगा, तो 77 लैम्बडा प्लस 3 माइनस 80 ये माइनस 77 हो जाएगा इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमें लैम्बडा देखिए स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा, 77 लैम्बडा माइनस 77 माइनस 77 से वहाँ पे जाएगा प्लस हो जाएगा, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू वन मिल गया। ठीक है, तो अभी ये लैम्बडा का वैल्यू हम एम के कोऑर्डिनेट में पुट कर देंगे, इसे आप इक्वेशन नंबर वन लिख दीजिए। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर वन में हम लैम्बडा का वैल्यू रख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए, पुट लैम्बडा इज इक्वल्स टू वन इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें एम क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, एम इज इक्वल्स टू 2 इंटू वन प्लस वन, माइनस थ्री इंटू वन माइनस वन, एट इंटू वन माइनस टेन। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमारा लैम्बडा था वहाँ पे हमने 1 रख दिया,
इसे सॉल्व करेंगे 21, 2 + 1 3, माइनस 3 × 2 − 3 − 1 − 4 और 8 − 10 − 2। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स हमें m का कोऑर्डिनेट मिल चुका है। ठीक है, तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, लेंथ, एक तो हमें फुट ऑफ ये हमें मिल चुका है। ठीक है, अभी ये लेंथ क्या होगा, pm क्या होगा स्टूडेंट्स, जब आपको दो पॉइंट पता है तो दो विद द हेल्प ऑफ टू पॉइंट्स हम लेंथ ऑफ pm फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं देयरफॉर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस pm इज व्हाट इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी का कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स, 101 है, सॉरी 100 है, और m का कोऑर्डिनेट ये है, तो आप m माइनस पी करिए फिर पी माइनस m करिए। ठीक है, 3 − 1 का स्क्वायर + −4 − 0 का स्क्वायर + −2 − 0 का स्क्वायर। तो अभी से हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 − 1 = 2, 2 का स्क्वायर = 4, −4 − 0 − 4 − 4 का स्क्वायर = 16, और यहाँ पे −2 = −2 − 2 का स्क्वायर = 4। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 24। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें स्टूडेंट्स 24 हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 × 4 = 24 ना, तो इसे आप इसे 2√6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख दीजिए सिंप्लीफाइड एज पर रिक्वायर्ड टेक्स्ट बुक आंसर। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया, और हमारा जो कोऑर्डिनेट ऑफ एम हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था। ठीक है, तो हमें दोनों चीज़ें फाइंड आउट हो चुकी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। पॉइंट ए बी सी आर 3 points एंड डी इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। देखिए स्टूडेंट्स ये भी सेम क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ ए बी सी सी। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, पॉइंट ए है, वो पॉइंट ए से बी सी पर परपेंडिकुलर है। बी सी क्या है स्टूडेंट, दिस इज अ पॉइंट बी और दिस इज पॉइंट सी। सी क्या है, 2 − 3 = 1। ए क्या, बी क्या है स्टूडेंट्स, 2 − 3 = 1, और ए क्या है आपका 1, सॉरी बी क्या है 0 − 11 और ये 13, सॉरी स्टूडेंट्स ये हमारा बी है और ए क्या है 104। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये दिस इज डी। ठीक है, ये डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये ए बी ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है बी सी उसका हम कार्टेशियन फॉर्म बना लेंगे। हमने 6.1 में देखा जब आपके पास दो पॉइंट है तो उसका कार्टेशियन फॉर्म आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये इसका इक्वेशन मिल जाएगा और फिर जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था एग्जांपल नंबर 5 में वैसा हम कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया हुआ है, लाइन बी सी दिया, बी सी का दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट बी और पॉइंट सी दिया हुआ है, तो हम इसका कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो वी हैविंग पॉइंट बी 0 − 11 − 13 एंड पॉइंट सी 2 − 3 = 1। ठीक है, देयरफॉर द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी इज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कार्टेशियन फॉर्म का जो वेन टू पॉइंट इज गिवेन का फॉर्मूला क्या है, x − x1 / x2 − x1 = y − y1 / y2 − y1 = z − z1 / z2 − z1। ठीक है, ये फॉर्मूले के हेल्प से हमें कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगा। ये हमारा पॉइंट वन है, ये हमारा पॉइंट टू है। ठीक है, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं x1 − y1 − z1 − x2 − y2 − z2। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं x − x1 क्या है हमारा 0 / x2 क्या है हमारा 2 − 0 = y, y1 क्या है यहाँ पे −11 − - से प्लस हो जाएगा, अपॉन
वाई टू क्या है हमारा माइनस इलेवन, तो ये प्लस इलेवन हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस इलेवन एट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, एक नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, ओके, ताकि कन्फ्यूज ना हो आप। इज इक्वल्स टू जेड माइनस थर्टीन अपॉन वन माइनस थर्टीन। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हमें क्या मिल जाएगा, एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू वाई प्लस इलेवन बाय, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एट इज इक्वल्स टू जेड माइनस थर्टीन बाय माइनस ट्वेल्व। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमें देखिए कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो अभी ये जो लाइन मिला हुआ है, ओके, तो अगर हमने इसे, ये लाइन का हम डायरेक्शन रेशो लिख सकते हैं, डायरेक्शन रेशो क्या हमारा 2, 8, 3, 12 है, और पासिंग फ्रॉम विच पॉइंट 0, माइनस इलेवन एंड 13। ठीक है, वो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, देयरफॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट क्या हो जाएगा 0, माइनस इलेवन एंड 13, एंड उसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2, 8 एंड माइनस 12। ठीक है, तो ये जो लिक्वायर लाइन है उसका हमें डायरेक्शन रेशियो मिल गया, उसका पॉइंट मिल गया। अभी इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी। डी क्या है स्टूडेंट्स, पॉइंट बी सी पर कहीं पर ये पॉइंट डी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है उसको हम लैम्डा से कंसिडर करेंगे, इज इक्वल्स टू लैम्डा, राइट। फिर उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ जो पॉइंट डी है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, नाउ जो हमारा इक्वेशन है लैम्डा बाई टू इज इक्वल्स टू, सॉरी एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू वाई प्लस इलेवन बाई एट इज इक्वल्स टू जेड माइनस थर्टीन बाय माइनस ट्वेल्व इज इक्वल्स टू, हमने लैम्डा से कंसिडर किया है। इसके हेल्प से स्टूडेंट्स हमें क्या मिल जाएगा, एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू टू लैम्डा, वाई इज इक्वल्स टू एट लैम्डा माइनस इलेवन, और जेड इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व लैम्डा प्लस थर्टीन मिल जाएगा। ये जो है कोऑर्डिनेट ऑफ किसका मिला स्टूडेंट्स, डी का। देयरफॉर डी इज इक्वल्स टू व्हाट, टू लैम्डा एट लैम्डा बाय माइनस इलेवन और माइनस ट्वेल्व लैम्डा प्लस थर्टीन। ठीक है, तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ डी चाहिए था स्टूडेंट्स, ओके, तो यहाँ पे सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट ऑफ डी चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए अभी हमें डी का, डी कोऑर्डिनेट ऑफ डी फाइंड आउट के लिए यहाँ पे पहले हमें लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए डी का डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, और हमारे पास बी सी का डायरेक्शन रेशियो है, तो ये परपेंडिकुलर ऑन दिस, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल्स टू जीरो व्हेन एल वन इज परपेंडिकुलर ऑन एल टू। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स पहले हम क्या करते हैं, ए डी का डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए डी का डायरेक्शन रेशियो कैसे मिलेगा, जब हमारे पास ए और डी जो पॉइंट्स है वो हमें पता है, तो ठीक है, तो नाउ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए डी इज क्या हो जाएगा, ये डी का कोऑर्डिनेट है, हमारे पास ए का कोऑर्डिनेट को यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये 1, 0, 4, 8 का कोऑर्डिनेट है, तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो हमें हमारा किसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 लैम्डा माइनस 1 8 लैम्डा माइनस 11 माइनस 0 और माइनस 12 लैम्डा प्लस 13 माइनस 4, इसका मतलब 2 लैम्डा माइनस 1 8 लैम्डा माइनस 11 माइनस 12 लैम्डा, ये माइनस, तो ये प्लस कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स ये हमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए डी मिल गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए डी और बी सी मिला हुआ है, और दोनों ही लाइन क्या है, परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर है। तो अभी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, सीन्स क्या है, बी सी सॉरी ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ठीक है, तो अभी दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू जीरो होगा। ये हमारा पास ए डी का डायरेक्शन रेशियो है दिस दिस दिस, और बी सी का डायरेक्शन रेशियो हमने देखिए स्टूडेंट्स ऊपर लिखा हुआ है,
डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी इज इक्वल टू दिस। ओके, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हमारे लिए कैलकुलेशन के लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2, 8 and -12 है। ठीक है, तो दिस इंटू दिस प्लस 8 इंटू दिस प्लस -12 इंटू दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2λ-1 इंटू 2 प्लस 8λ-11 इंटू 8 प्लस -12λ+9 इंटू -12 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे 4λ-2 प्लस 64λ-88 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 144λ-108 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, तो 4 + 64 = 68λ हो जाएगा। 144 + 68 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12, 10, 212। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या मिल गया, 212λ। ठीक है, -2 - 88 माइनस क्या हो जाएगा 90, इसमें 98 कर ऐड करेंगे तो 108 90 इज इक्वल्स टू व्हाट, 198। तो -198 इज इक्वल्स टू ज़ीरो मिल गया। देयरफॉर हम लैम्ब्डा देखिए क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 198/212। ठीक है, तो आप इसे किसी टर्म से डिवाइड कर सकते हो, आप सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। हमने 2 से डिवाइड किया, 2 9 ज़ा 2 9 ज़ा अपॉन 2 1 ज़ा 2 6 ज़। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखिए लैम्ब्डा क्या मिल गया, 99/106 मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये जो लैम्ब्डा का वैल्यू है हम कहाँ पे पुट कर देंगे, डी, जो कोऑर्डिनेट ऑफ अ डी है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, इसमें पुट कर देते हैं, पुट लैम्ब्डा का वैल्यू 99/106 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो देयरफॉर डी देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 2 × 99/106, 8 × 99/106 - 11, -12 × 99/106 +13। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसे हम कैलकुलेट कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 99/25 ज़ा 23 ज़ा। ओके, ये इसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसे देखिए स्टूडेंट्स ये रफली आप कैलकुलेट करिए तो इसका आंसर देखिए क्या मिल जाएगा, 187/53। और इसको कैंसिल करके जो भी है प्लस माइनस करेंगे तो इसका आंसर हमें देखिए क्या मिल जाएगा, 95/53। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, होप प्लीज़ स्टूडेंट्स आप इसे कर लीजिए। ओके, तो वो कैलकुलेशन पार्ट मैं नहीं दिखा रहा हूँ तो हमारा टाइम बच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया है, बाय कंप्यूटिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स अभी हमें चेक करना है कि ये दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, फर्स्ट एग्जांपल सेकंड एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल में दोनों लाइन दिया हुआ है वो वेक्टर फॉर्म में है, सेकंड एग्जांपल में दोनों लाइन जो दिया हुआ है वो कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में ही हमने फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है कि अभी हमें देखना है कि दो लाइन दिया हुआ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, देखिए सुन, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर, लाइन 1 और लाइन 2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा एट इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमने फॉर्मूला है हमारे पास, हमें चेक करना है कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है आर इज इक्वल्स टू -i - j λ 2i + k। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, एन आर इज इक्वल्स टू वॉट, 2i - j + μi + j - k। ठीक है, अभी जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि कैसे नहीं कर रहे, हमें कैसे पता चलेगा, देखिए लाइन्स आर इज इक्वल्स टू a + λ b1 एंड आर इज इक्वल्स टू a2 + λ2 b2। ठीक है, इंटरसेक्ट
ईच अदर इफ एंड ओनली इफ वॉट दिस कंडीशन शुड सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है इज इक्वल्स टू जीरो आता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे जो हमारा लाइन है दिस एंड दिस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये हमारे पास ये दोनों लाइन है, तो हम ये कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। अभी देखिए स्टूडेंट्स, A1 A2 क्या है हमारा, दिस इज A1 दिस इज A2, ठीक है, ये दिस इज B1 दिस इज B2, ठीक है, ये इसे हमने लाइन 1 बोल दिया, ये हमारा लाइन 2 हो गया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं, A क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर A इज इक्वल्स टू I माइनस J, एंड A2 क्या हो जाएगा हमारा, 2i माइनस 6, एंड B1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, 2i प्लस K, एंड B2 क्या हो जाएगा हमारा, i प्लस J माइनस K। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है चेक कर लेते हैं। तो A2 माइनस A1 देख लेते हैं क्या हो जाएगा, A2 क्या है, 2i माइनस J माइनस i माइनस J, इसे आप सिंप्लीफाई करिए, 2i माइनस J माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये जे जे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमें सिर्फ आई मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमें B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ऑलरेडी हमने वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट में देखा हुआ है, जब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, आई जे के B1 का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 2 0 1 1 1 1 इज इक्वल्स टू I दिस इंटू दिस 0 माइनस 1 माइनस J दिस 2 माइनस 1 प्लस K 2 माइनस 0, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, माइनस I माइनस J प्लस 2K। ठीक है, ये हमें B1 क्रॉस B2 मिल गया। अभी हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए ना, हमारा जो फाइनल स्टेप है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, अभी हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और इसका जो वैल्यू है वो इज इक्वल्स टू हमें 0 मिलना चाहिए, अगर 0 मिल रहा है तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे लाइन। ठीक है, देयरफॉर इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हमें क्या मिला था, ये हमें I मिला था और ये हमें क्या मिला हुआ है, माइनस I माइनस J प्लस 2K। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी इसका हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, तो I डॉट I 1 हो जाएगा, माइनस 1 मिलेगा, यहाँ पे आई जे के नहीं है 0 है, तो 0 × 0 हो जाएगा, तो इस देखिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट किया तो इज इक्वल्स टू माइनस 1 मिल गया। ठीक है, तो ये इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए था स्टूडेंट्स, लेकिन ये इज इक्वल्स टू 0 नॉट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब हमें ये टर्म का वैल्यू नॉट इज इक्वल्स टू 0 आता है तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, अगर इज इक्वल्स टू 0 आता तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, देयरफॉर द गिवन लाइन आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व हो गया, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा जो सेकंड है वो चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड हमारा क्या है, इक्वेशन देखिए कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, जेड प्लस 3 बाय माइनस 5 एंड एक्स माइनस 8 बाय 7 वाई माइनस 7 बाय 1 जेड माइनस 5 बाय 3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा इक्वेशन देखिए स्टूडेंट्स कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिख रहा है। ओके, तो अभी हमें चेक करना है ये जो दोनों हमारा लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, जब देखिए स्टूडेंट, जब कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन रहेगा तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, क्या है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 और a2 b2 c2, इसका डिटरमिनेंट्स इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तो देखिए इसका जो गिवन लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे ईच अदर। अगर ये डिटरमिनेंट्स इसका 0 नहीं आता है, वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है,
तो देखिए स्टूडेंट्स, तो डायरेक्टली हम इसे बहुत इजीली इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे गिवन क्या है वो लिख देते हैं। व्हाट इज गिवन, लाइन वन क्या हमारा, फाइव माइनस एक्स माइनस फाइव बाई फोर, वाई माइनस सेवन बाय माइनस फाइव इज इक्वल टू जेड प्लस, ये हमारा लाइन वन हुआ। ओके, लाइन टू क्या हमारा, ये हमारा लाइन टू हुआ। तो अभी लाइन वन से हमें ये एक्स वन वाई वन जेड वन मिल जाएगा, ये ए वन बी वन सी वन मिल जाएगा, और लाइन टू से हमारा एक्स टू वाई टू जेड टू मिल जाएगा, और ए टू बी टू और सी टू मिल जाएगा। तो देयरफॉर फ्रॉम लाइन वन एंड टू वी गेट एक्स वन इज इक्वल्स टू फाइव, वाई वन इज इक्वल्स टू सेवन, जेड वन इज इक्वल्स टू फाइव, ठीक है। एंड ए वन इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर, बी वन इज इक्वल्स टू माइनस फाइव, एंड सी वन इज इक्वल्स टू माइनस फाइव, एंड एक्स टू हमें लाइन टू से मिलेगा इज इक्वल्स टू एट, वाई टू इज इक्वल्स टू सेवन, जेड टू इज इक्वल्स टू फाइव, एंड ए टू बी टू सी टू, ए टू इज इक्वल्स टू सेवन, सी टू इज इक्वल्स टू वन, और सी टू इज इक्वल्स टू थ्री, बी टू इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो अभी सारे टर्म समय मिल गए हैं, अभी हम क्या चेक करेंगे, ये कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। द गिवन लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, लिख दीजिए द गिवन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट्स ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू इज इक्वल टू जीरो, अगर इनका डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू जीरो आता है तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब जो नो हमारा इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा तो, ठीक है। सारे टर्म्स यहाँ पे पुट करते हैं, देयरफॉर एक्स टू क्या है हमारा एट, एट माइनस फाइव, वाई टू क्या है हमारा सेवन माइनस सेवन, जेड टू क्या हमारा फाइव माइनस फाइव, एट वन बी वन सी वन, फोर माइनस फाइव माइनस फाइव। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जेड टू माइनस जेड वन, यहाँ पर मैंने वैल्यू में मिस्टेक किया हुआ है, ये मेरा जेड टू फाइव है, यहाँ पे हमने माइनस थ्री है, यहाँ पे माइनस थ्री आएगा। ओके, तो यहाँ पे प्लीज़ केयरफुली देखिए, नहीं तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये माइनस थ्री है तो ये माइनस माइनस ये प्लस थ्री हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे बी देखिए, बी ए टू बी टू सी टू क्या है सेवन वन थ्री, सेवन वन थ्री इज इक्वल्स टू हमें ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ये थ्री ज़ीरो एट फोर माइनस फाइव माइनस फाइव सेवन वन थ्री, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो थ्री दिस इंटू दिस माइनस फिफ्टीन, माइनस दिस इंटू दिस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस ज़ीरो, ज़ीरो इंटू एनी टर्म ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फोर प्लस थर्टी फाइव, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा टेन माइनस टेन, तो ये माइनस थर्टी मिल जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा थर्टी नाइन, थर्टी नाइन इंटू एट कर लेंगे, थ्री वन टू, ठीक है। तो आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इसका जो वैल्यू है नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है टू एटी टू, तो ये नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो यहाँ पर हमारा क्या स्टेटमेंट आएगा, देयरफॉर द गिवन लाइंस नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया कि हमारा सेकंड जो वो लाइन है दोनों वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे ईच अदर, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर एट देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, इफ लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ईच अदर देन फाइंड के, ठीक है। तो ये हमें दो लाइन दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में है स्टूडेंट्स, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है,
तो हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए के मिसिंग टर्म है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा था कि एक दो लाइन है इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने फॉर्मूला देखा था व्हेन कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया रहेगा तो डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करना इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं सिंस अ लाइन एक्स माइनस वन बाई टू वाई प्लस वन बाई थ्री जेड माइनस वन बाई फोर एंड एक्स माइनस थ्री बाई वन इज क्या कर रहा है इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अभी यहाँ पर ये दोनों लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू इज इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए। तो अभी ये हमारा कंडीशन इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये हमारा इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो सारे टर्म्स है इसकी जब हम पुट कर देंगे और हमें के का जो टर्म है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम गिवन लाइन हम सारे टर्म्स लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, फ्रॉम गिवन इक्वेशन, ठीक है, हमें देखिए एक्स वन लाइन वन से मिल जाएगा एक्स वन वाई वन और जेड वन, तो हमें एक्स वन क्या मिल जाएगा इज इक्वल्स टू वन, y1 हमें क्या मिल जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस वन और z1 हमें क्या मिल जाएगा इज इक्वल्स टू वन, ए वन बी वन सी वन, ए वन हमें मिल जाएगा टू बी वन हमें मिल जाएगा थ्री और सी वन हमें मिल जाएगा फोर, राइट। और एंड सेकेंड लाइन से हमें क्या मिल जाएगा एक्स टू इज इक्वल्स टू थ्री वाई टू इज इक्वल्स टू के जेड टू इज इक्वल्स टू जीरो ए टू वन बी टू टू बी सी सी टू वन, ठीक है। तो अभी सारे टर्म्स हमें पुट कर देते हैं, देयर फोर विल गेट एक्स टू क्या हमारा थ्री एक्स वन क्या है वन वाई टू के माइनस माइनस वन जीरो माइनस वन ए वन टू थ्री फोर वन टू वन इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अभी इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स और हमें के का वैल्यू मिल जाएगा, देयर फोर टू के प्लस वन माइनस वन टू थ्री फोर वन टू वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, दिस इंटू थ्री माइनस दिस इंटू दिस माइनस के प्लस वन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस टू माइनस फोर प्लस माइनस वन फोर माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, ये क्या मिल जाएगा माइनस फाइव इंटू टू माइनस टेन, इसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस टू के सॉरी इसको माइनस टू कर लेते ना माइनस माइनस ये प्लस टू के हो जाएगा, ये माइनस टू के माइनस माइनस प्लस टू के हो जाएगा प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा टू के प्लस टू टू, ये ब्रैकेट ये देखिए ये वन वन इंटू माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं ये हमें क्या मिल जाएगा इलेवन माइनस इलेवन प्लस टू माइनस नाइन प्लस टू के इज इक्वल्स टू जीरो। तो देयर फोर हमें के का वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा के इज इक्वल्स टू नाइन वहाँ पे जाएगा प्लस हो जाएगा नाइन बाई टू, ठीक है। तो ये देखिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर एट का स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर एट का रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है, ठीक है। तो देखिए ये वीडियो को हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 5 टू 8 के सारे एग्जांपल्स कवर किए हुए, ठीक है। इसका जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन था ऑलरेडी स्टूडेंट्स 1 टू 4 को हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने 1 टू 4 के सारे एग्जांपल्स नहीं कवर किए हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए, वहाँ पर सारे एग्जांपल्स वहाँ पर मिल जाएंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स
वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कुछ इशू है या फिर आपको कुछ एडवाइस करना है वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।